मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, अभी भी किसी को समझ आता है क्या कारण था कि आजादी के कई वर्षों तक बजट शाम को 5 बजे आता था? किसी ने सोचा नहीं, बस 5 बजे चल रहा है, चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? 5 बजे इसलिए बजट चलता था कि यूके की पार्लियामेंट के टाइम के हिसाब से हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने से शाम को 5 बजे बजट आया। अब हमने उसको ही चालू रखा। और हम बहुत कम लोगों को मालूम होगा, हम घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो इंडियन टाइम है, लेकिन घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो लंदन टाइम है। आपके पास घड़ी है तो देख लीजिए। उसी प्रकार से, हाँ, ये दिखाने के लिए, ताकि कई लोगों को बहुत चीजें समझ नहीं आती, पता नहीं पता। अब अटल जी की सरकार आई तब समय बदला गया। हमारा भी प्रयास है। और जब आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने भी बजट के समय के संबंध में कमेटी बनाई थी, उसका विस्तृत रिपोर्ट है। और आप भी चाहते थे कि भाई ये समय बदलना चाहिए, और उन्होंने जो प्रपोजल दी है हमने उसी को पकड़ा है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अलग है। आप चाहते नहीं थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उस प्रायोरिटी में नंबर कब लगेगा? तो इसलिए जो बातें आपके समय हुई है उन बातों को ये बड़े गर्व से कहना चाहिए, आपको फायदा उठाइए ना। ये तो हमारे समय हुआ था, अब ये भी आप भूल जाते हैं, चलो मैंने याद दिला दिया, आप इसका भी लाभ दीजिए। रेलवे के संबंध में भी विस्तार से चर्चा जब बजट की होगी, लेकिन एक बात हम समझे कि 90 साल पहले जब रेल बजट आता था तब ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रमुख मोड सिर्फ रेलवे था। आज ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी अनिवार्यता बनी है, और इकलौता रेलवे नहीं है, कई प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के मोड है। जब तक हम कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रांसपोर्ट इस विषय को जोड़ करके नहीं चलेंगे तो हम समस्याओं से जूझते रहेंगे। और इसलिए मुख्य धारा में रेलवे व्यवस्था भी रहेगी, उसमें कोई प्राइवेटाइजेशन को कोई तकलीफ नहीं है, उसकी स्वतंत्रता तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सोचने के लिए सरकार एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव हर प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को देखना शुरू करिए आवश्यक है। और हमने जब से आए हमने रेलवे में बजट में बदलाव किया है। आप जानते हैं कि पहले बजट में हमारे गौड़ा जी ने बताया था कि करीब 1500 घोषणाएं हुई थी, और कौन मजबूत है, कौन हाउस में ज्यादा परेशान करता है, उसको ध्यान में रख करके, उसको खुश रख करके एक चीज बोली दी जाती थी, वो भी ताली बजा देता था, अपने इलाके में जाके बता देता था ये काम हो गया। हमने देखा साहब 1500 ऐसी चीजें हुई थी जिनका कागज पर ही मोक्ष हो गया था। तो ये ऐसा हम क्यों करते हैं? मैं जानता हूं इससे राजनीतिक दृष्टि से हमें नुकसान होता है, लेकिन किसी ने तो जिम्मा लेना पड़ेगा। देश में जो गलत चीजें डेवलप हो चुकी हैं उसको हम रोके, और ब्यूरोक्रेसी को सूट करता है जी, ऐसी चीजों को सूट करती है कि राजनेता तो ताली बजा दे, वो उनकी गाड़ी चलाते रहे, मुझे नहीं चलानी है जी। देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं के लिए फैसले लेने हैं, अच्छे फैसले लेने का प्रयास है, अच्छी तरह करने का प्रयास है। और इसलिए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको काम को कर रहे हैं। एक विषय नोटबंदी का आया, पहले दिन से ये सरकार कह रही है हम नोटबंदी पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों को लगता था
कि टीवी पर कतार देखते हैं तो कल कभी न कभी कुछ हो जाएगा, फिर देखेंगे। आपको लग रहा था कि इस समय चर्चा करने से शायद मोदी फायदा उठा जाएगा, और इसलिए चर्चा के बजाय आपको टीवी बाइट देने में ही इंटरेस्ट था, इसलिए चर्चा नहीं हुई। अच्छा है इस बार आपने थोड़ा बहुत स्पर्श किया है, और कितना बड़ा बदलाव आया है, और मुझे विश्वास है कि जो बारीकी से चीजों का अध्ययन करते हैं, अब तक उनका ध्यान नहीं गया है तो मैं चाहूंगा कि उनका ध्यान जाए। 2014 के पहले का वक्त देख लीजिए, 2014 मई के पहले का, वहां से आवाज उठती थी कि कोयले में कितना खाया, 2G में कितना गया, जल करप्शन में कितना गया, वायु करप्शन में कितना गया, आसमान के करप्शन में कितना गया, कितने लाख गए, कितने यही वहां से आवाज आती थी। ये मेरे लिए कितनी खुशी की खबर है कि जब वहां से आवाज आती थी मोदी जी कितना लाए कितना लाए कितना लाए, तब आवाज उठती थी कितना गया, अब आवाज उठ रही कितना लाए, इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है, इससे बड़ा जीवन का यही तो सही कदम है, यही तो सही कदम है। दूसरा, हमारे खड़गे जी ने कहा कि काला धन हीरे जवाहरात में है, सोने में है, चांदी में है, प्रॉपर्टी में है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये सदन जानना चाहता है ये ज्ञान आपको कब हुआ। क्योंकि इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भ्रष्टाचार का प्रारंभ नगद से होता है, उसकी शुरुआत नगद से होती है, परिणाम में प्रॉपर्टी होती है, परिणाम में ज्वेलरी होती है, परिणाम में गोल्ड होता है, शुरुआत नगद से होती है। दूसरा, आपको मालूम है यही बुराइयों के केंद्र में है, बेरावी प्रॉपर्टी है, जवाहरात है, गोल्ड है, चांदी है। जरा आप लोग बताइए, 1988 में जब समान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू से भी ज्यादा बहुमत इस सदन में आपके पास था, दोनों सदन में आपके पास था, पंचायत से पार्लियामेंट तक सब कुछ आपके कब्जे में था, आप ही आप थे, कोई नहीं था। 1988 में आपने बेनामी संपत्ति का कानून बनाया। आपको जो ज्ञान आज हुआ है, क्या कारण था कि 26 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया गया, क्या कारण था उसको दबोच कर? अगर उस समय नोटिफाई किया होता तो जो ज्ञान आज आपको हुआ है, 26 साल पहले की स्थिति थोड़ी ठीक थी, देश बहुत जल्दी साफ सुथरा होने की दिशा में एक काम हो जाता। वो कौन लोग थे जिनको कानून बनने के बाद ज्ञान हुआ कि अब कानून दबाने में फायदा है? वो किस परिवार? आप इससे बच नहीं सकते। आप किसी का नाम दे करके बच नहीं सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा देश को जो ज्ञान आया।